हेलो दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी तरफ से राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ पीले चावल की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसको आज हम एकदम से परफेक्ट मेजरिंग से बनाना बताएंगे। इस तरह से अगर आप चावल को बनाओगे तो आपके चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनकर तैयार होंगे। और आज हम आपको कुकर में बनाना बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कप चावल को आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। आप कोई से भी चावल यूज़ में ले सकते हैं, हमने बासमती चावल का यूज़ किया है। अब एक कुकर में हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। घी हलका सा गर्म होने के बाद में इसके अंदर 5 लौंग डालेंगे और हमने 1/2 कप ड्राई फ्रूट्स डाला है। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। हमने टोटल 2.5 कप पानी का यूज़ किया है और हमने उसी कप का यूज़ किया है जिस कप से हमने चावल का नाप लिया था। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, इसी से आपके चावल बड़े खिले खिले बनेंगे। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच येलो कलर का फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी में 1 बॉइल आने के बाद में इसके अंदर हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे। ये एकदम से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। हमारे चैनल की और बाकी रेसिपी देखने के लिए ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। केसर डालने के बाद में इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद में इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। हमने टोटल इसके अंदर 10 चम्मच चीनी डाला है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिक्स करने के बाद में कुकर को हम ढक देंगे। अब इसको लो आंच पे 15 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आप इसमें सीटी लगा रहे हैं फुल आंच पे, तो 2 सीटी लगवाने के बाद में गैस को बंद कर दें और इसके तुरंत इसके अंदर की हवा निकाल के इसको खोल लें और इसको हल्का सा मिक्स कर लें। ध्यान रहे, हमने छोटे वाले कुकर में आपको चावल बना के दिखाए हैं। अगर आप बड़े वाले का यूज़ कर रहे हैं तो उसका टाइमिंग अलग होता है, इसलिए आपको इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है। हमने चावल को हल्का सा मिक्स कर लिया है, पर इसके अंदर हल्का सा पानी दिखाई दे रहा होगा आपको, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद में एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। लो जी, हमारे चावल बनके तैयार हैं, एकदम से खिले खिले बने हैं। हम आपको हाथ से या चम्मच से दिखा भी देते हैं। देखो कितने खिले खिले हैं, एकदम से अलग अलग है एक एक चावल। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को एक बार फिर से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा।